Hey, welcome back. I am धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको अंग्रेजी बोलने का एक छोटा सा नुस्खा दे रहा हूँ। हम लोग क्या शुरू किए हैं कि ताकि आप सबसे पहले बोलना सीखो, और उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं आपको बिना बुलवाए छोड़ने वाला कहाँ हूँ, मैं तो हर तरह के सेंटेंस को बुलवा करके ही छोड़ूंगा। उसके लिए करना क्या है कि हम लोग धीरे धीरे एक एक सेंटेंस को ले चलेंगे और हर सेंटेंस को बोलने का प्रयास करेंगे। आपने अब तक जितना भी सीरीज बनाया, हमने ये आपका 5वां सीरीज शायद रहा होगा, 4 आपने देख लिया होगा कि इसी तरह के वर्ड्स को प्रयोग करके सेंटेंस के प्रयोग करके सारे लोग जितने भी इंग्लिश स्पीकर हैं ना, जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले हैं ना, इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके बोलते हैं। तो फिर आप पीछे क्यों रहेंगे मेरे दोस्त, आप भी आगे बढ़िए और आप भी बोलने का प्रयास करिए। पहला वर्ड हमने लिया अबाउट। अबाउट के बारे में मुझे पता है कि तुमको आता है, अबाउट सब लोग जानता है, सबको पता है अबाउट का हिंदी, कि अबाउट का हिंदी बारे में होता है, के बारे में, अबाउट का हिंदी के बारे में सबको पता है। लेकिन मुख्य मुद्दा इसका यूज कैसे करेंगे, हम लोगों को यह जानना है कि अबाउट का यूज सेंटेंस में कैसे होगा। तो पहले 2-2 वर्ड जोड़ेंगे, फिर बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। अभी बस मेरे साथ लगे रहो, ये पूरा सीरीज कंप्लीट करो। हमने कहा अबाउट के बारे में, इसके बारे में, अबाउट दिस, इस बारे में, अबाउट दिस, उस बारे में, इसके नज़दीक जिसको तुम छू सकते हो वहाँ दिस का प्रयोग करना, जो तुम्हारी पहुँच के बाहर है उसके लिए दैट का प्रयोग करना। तो हमें बोला उस बारे में बताओ, प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट, है ना, उस बारे में अबाउट दैट, है ना, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है, आई एम वरीड अबाउट यू, तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है, तुम्हारे भविष्य के बारे में, अबाउट योर फ्यूचर। देख रहे हो, तो आपको मेन अबाउट आता है, बट यू हैव टू ट्राई टू मेक अ सेंटेंस, देन यू आर एबल टू स्पीक एनीथिंग एल्स। तो पहले क्या है कि सेंटेंस फ्रेम करना है, और सेंटेंस फ्रेम के लिए एक वर्ड है, वही डेली यूज मैं जो दे रहा हूं ना, इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके सारे लोग बोलते हैं। बस आपको वो फ्रेम बनाना है। तुम्हारे भविष्य के बारे में, अबाउट योर फ्यूचर, आपको कहना है किसी को, यार मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित हूँ, आई एम वरीड अबाउट योर फ्यूचर यार। तो अबाउट योर फ्यूचर, माता पिता हमारे भविष्य में चिंतित है, तो माता पिता क्या है, आवर पेरेंट्स आर वरीड अबाउट माई फ्यूचर। तो अबाउट माई फ्यूचर, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट हिज फ्यूचर, तो उसके भविष्य के बारे में। तुम्हारे सेहत के बारे में, अबाउट योर हेल्थ, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। मान लो किसी दोस्त का हेल्थ खराब हो रहा है, तो आप क्या कहते हो, यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तुम्हारा हेल्थ खराब हो रहा है, तुम्हारे हेल्थ के बारे में चिंता है मुझे, तो वो आप क्या बोलते हैं, यानी आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। सेंटेंस बनाया हमें, देखो लिख भी दिया हूँ सब, आपके लिख दिया हूँ सब। आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, आई हैवंट सेड एनीथिंग, मैं उसके बाद, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहा, आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, उस बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, इसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, है ना। आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, आई एम वरीड अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट योर फ्यूचर, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। तो आप कहीं भी सेंटेंस प्रयोग कर सकते हो। मुझे भरोसा है कि एक अबाउट से लेकर के आप सेंटेंस बोल सकते हो। इसको लिख लो और अभी कॉपी कलम निकालो, मेरे साथ लिख भी लो, पढ़ भी लो, तब जाके आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। एक एक वर्ड सिखा रहा हूँ और उसको पूरा एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ ताकि आपको बोलना आ जाए। अगला देखो, फिर से लिखा अबाउट, अबाउट वही वर्ड है, लेकिन आप हिंदी क्या लिया, लगभग, आपको लगभग बोलना है। समय पर यही अबाउट काम नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे मेरे साथ ना, तो ये अबाउट हमेशा काम आएगा, राइट। अबाउट का मतलब लगभग, हमको बोलना है यार यहाँ पे खड़े खड़े लगभग 2 घंटे बीत गए, है ना, लगभग 2 घंटे, अबाउट 2 आवर्स। पहले 2 वर्ड लिखो, फिर सेंटेंस दूंगा, है ना। लगभग 10 वर्ष पहले, अबाउट 10 ईयर्स अगो, नहीं बोलते हैं, लगभग 10 साल पहले उसे मिले थे, आई मेट हिम अबाउट 10 ईयर्स अगो। तो लगभग 10 साल पहले मिले थे, तो लगभग दैट अबाउट 10 ईयर्स अगो। 20 वर्ष पहले, बिफोर 10 ईयर्स, है ना। तो आप बोल सकते हो लगभग 50 लोग थे, अबाउट 50 पीपल, नहीं बोलते कि वहाँ 50 लोग थे, तो देयर वेयर 50 पीपल्स, है ना, इस तरह से बोलते हैं। अब देखो, देयर वेयर अबाउट 200 पीपल एट द मीटिंग में लगभग 200 लोग थे, है ना। देयर वेयर अबाउट 200 पीपल, देयर वेयर अबाउट 200 पीपल एट द मीटिंग में लगभग 200 लोग थे। तो यहाँ पे लगभग के लिए हम लोग कहाँ प्रयोग किया, अबाउट का 200 पीपल। तो आप लगभग जब बोलना आ जाएगा तो इसमें सेंटेंस में डालो, बोलना शुरू करो। आई मेट हिम अबाउट 6 years ago, मैं उसे लगभग 6 वर्ष पहले मिला था। अब बोलो, बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ऐसे ही और देखेंगे। अब हमने तीसरा लिया, आपको मैं एक एक करके वर्ड दे रहा हूं ताकि आप सेंटेंस बना करके बोलो, लिखो, सारा काम करो। अब देखो आफ्टर, आफ्टर का मतलब तुम्हें नहीं आता, ऐसा हो सकता है? मेरे सारे बच्चे को, जितने भी भारत में बच्चे देख रहे हैं, सबको आता है सब कुछ, आप सब विद्वान बच्चे हो। लेकिन मैं आपको उन्हीं शब्दों को यूज करके मैं चाहता हूं कि आपको और इलोक्वेंट बना दूं, बोलने में निपुण बना दूं, आप बेहतर बोल पाओ। सब आता है आपको। आफ्टर का हिंदी पता है कि के बाद होता है, आफ्टर का हिंदी पता है कि के पश्चात होता है, के बाद होता है, तो सब कुछ पता है कि आफ्टर का मतलब के बाद, है ना। तो के बाद सबको पता है कि ही केम आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद आया। लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे, ये मुद्दा है। जैसे कुछ सप्ताह के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, जैसे कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद मैं तुमसे मिलूंगा। ही केम आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद आया। तो आपको अगर टेंस का ज्ञान होगा, मैं टेंस का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, सेंटेंस बना के देने वाला हूँ, बशर्ते इन शब्दों का प्रयोग आ जाए, बोलना फटाफट आ जाएगा। हमने कहा एक सप्ताह के बाद, आफ्टर ए वीक, आफ्टर 1 week, आप बोल सकते हो आफ्टर ए वीक भी, आफ्टर 1 week बोल सकते हो, जो मन कर सब बोल सकते हो। शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक यू आफ्टर मैरिज, आई विल मीट यू आफ्टर मैरिज, आई कैन गो देयर आफ्टर मैरिज, है ना। तो आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, तो कोई भी सेंटेंस में आप इसको आराम से डाल सकते हो। अगला वर्ड कर सकते हैं उस अनुभव के बाद, यार आफ्टर दैट एक्सपीरियंस आई लेफ्ट एवरीथिंग, है ना। मैं उस अनुभव के बाद सब कुछ छोड़ दिया, आई लेफ्ट एवरीथिंग आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। तो ये वर्ड आएगा तब ना। तो हमने क्या किया, उस अनुभव के बाद, आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, ये सब वर्ड को ना याद कर लो, छोड़ो मत इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कॉपी में सब के सब। छुट्टियों के बाद, आफ्टर हॉलीडे, छुट्टियों के बाद मैं विदेश जाऊँगा, आई विल गो अब्रॉड आफ्टर हॉलीडे, है ना। छुट्टियों के बाद स्कूल में जाऊंगा, आफ्टर हॉलीडे आई विल गो टू स्कूल। तो कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हो। एवरीथिंग हैज चेंज्ड आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, सब कुछ बदल गया है आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बाद, उस अनुभव के बाद सब कुछ चेंज हो गया है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, आई विल मीट यू आफ्टर हॉलीडे, मैं तुमसे हॉलीडे के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर हॉलीडे। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस आई हैव चेंज्ड माय थॉट, उस एक्सपीरियंस के बाद हमने अपना विचार बदल लिया है। आई हैव चेंज्ड माय थॉट आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बाद हमने अपना विचार ही बदल लिया। अब बताओ, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? तो पूरे भारत में क्रांति फैलानी अंग्रेजी की, हर बच्चा सीखेगा और हर लोग सीखेंगे अंग्रेजी। बस एक एक वर्ड के साथ बड़े बड़े सेंटेंस तो आप यूं ही बना लोगे, और बड़े बड़े सेंटेंस तो मैं दूंगा, लेकिन ये जो चीज़ दे रहा हूँ ये यूट्यूब पे नया चीज़ है, इसको सीखो और अपने लाइफ में प्रयोग करो। आफ्टर के साथ आप V4 लगा सकते हो। ये V4 बेसिकली होता क्या है? वर्ब का 4th फॉर्म ING फॉर्म को कहते हैं, इसको हम ING फॉर्म कहते हैं। ING का मतलब ये जेरंड होता है। बेसिकली आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। तो ये जो V4 है ना, ये नाउन के समान काम करता है, इसको हम जेरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जेरंड बोलते हैं। तो जेरंड का मतलब V4। अब पूछो सर जेरंड क्या है? अभी जाने दो, ये सब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो हम बताऊंगा। जेरंड का मतलब ING का मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं, ING का मतलब V4 लगा होगा, जैसे गोइंग, कमिंग, ईटिंग, इसको हम लोग ING बोलते हैं। हिंदी निकलेगा वही के बाद, के पश्चात, लेकिन आफ्टर के बाद ING आएगा, ये समझाने के लिए। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या वर्ब है, तो इस वर्ब में ING लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सब क्या था? नाउन था, सप्ताह था, समय था, शादी था, अनुभव था, ये छुट्टी था, ये सब क्या था? नाउन था। तो प्रीपोजिशन के बाद अक्सर नाउन का प्रयोग करते हैं बाबू। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे कि प्रीपोजिशन आफ्टर है तो नाउन आना चाहिए। अगर नाउन नहीं आया है तो नाउन के समान जो शब्द है वह भी आ सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ने के बाद नहीं बोलते, इसको पढ़ने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर रीडिंग दिस बुक, है ना। तो आफ्टर रीडिंग, आफ्टर सीइंग, आफ्टर रीडिंग दिस बुक, इस किताब को पढ़ने के बाद मिलूंगा या देखने के बाद मैं घर जाऊंगा। आफ्टर सीइंग दिस आई विल गो माई होम। तो आफ्टर सीइंग दिस, इसे देखने के बाद या सुनने के बाद वह पागल हो गया। ही बिकेम मैड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़। तो आफ्टर हियरिंग, यह सुनने के बाद, यह समाचार सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ ही बिकेम मैड, वह पागल हो गया इस समाचार सुनने के बाद। तो आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, यह लिखने के बाद वह आएगा, यह लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग दिस, यह समाप्त होने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग दिस, आफ्टर फिनिशिंग दिस, यह समाप्त करने के बाद मैं तेरे पास आऊँगा, आफ्टर फिनिशिंग दिस आई विल कम टू यू। तो आप यहाँ पे दिस के बदले दैट लगा सकते हो, यह पढ़ने के बाद बता, वह पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग दैट, आफ्टर सीइंग दैट, आफ्टर हियरिंग दैट, आफ्टर राइटिंग दैट। तो जैसे मन करे मोड़ के तरोड़ के आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, मेरे बच्चे बोल सकते हो। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अंग्रेजी एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक नियमतः पढ़ना चाहते हो कि नहीं सर हमको आपका क्लास चाहिए, तो मैं पढ़ाता हूं ना, मैं दिल्ली में ऑफलाइन क्लास देता हूँ, एक सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ। यूट्यूब तो एक जरिया है तुम्हें सिखाने का, जिसके थ्रू छोटे मोटे 10 मिनट 20 मिनट में सीखते हो, लेकिन आपको 1.5 घंटे का कंप्लीट बैच चाहिए कि नहीं सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ बेसिक ग्रामर, मैं पढ़ना चाहता हूँ स्पीकिंग, मैं पढ़ना चाहता हूँ SSC के लिए, UPSC के लिए, दुनिया के किसी एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना चाहता हूँ सर आपसे। तो आ जाओ ना दिल्ली, दिल्ली कौन सा बहुत दूर है, आप दिल्ली आ जाइए, हमेशा बैच स्टार्ट होता है, आप उस बैच में इनरोल होकर के 3-4 महीने रह करके दिल्ली में बढ़िया से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपके साथ मजबूरी है, मान लो आप हाउसवाइफ हैं, मान लो आप नौकरी करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप दिल्ली नहीं आ सकते, मजबूरी है, कोई बात नहीं, मोबाइल बैच ले लीजिए, घर बैठ के क्लास लीजिए, मेरा ऑनलाइन क्लास, मोबाइल बैच, अपने लैपटॉप पर, अपने टीवी पर, अपने हर जगह पे आप क्लास करिए, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। मोबाइल बैच ले लीजिए, घर बैठ के अध्ययन करिए, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाना है www.dslenglish.com, और डिस्क्रिप्शन में सब चल तो रहा है, यहाँ देखो नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, और सारे वीडियोज में लिंक भी करवा दूंगा आज से, आज के बाद सारे वीडियो में लिंक मिलेगा, कैसे ले ऑनलाइन एडमिशन, सब सिस्टम भी आपका लिंक मिलेगा, पहला आप जाना मैसेज वाले में, वहाँ मिल जाएगा। तीसरी बात, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, इसके लिए टेस्ट देते हो, आप SSC की तैयारी करते हो, UPSC टेस्ट देते हो, उसके लिए भी वेबसाइट पर जाओ, 365 रुपया में 365 टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है, और उसमें सिर्फ अंग्रेजी का नहीं दिया हूँ, अंग्रेजी भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है, मैथ्स भी है, सब है। तो जितना मन करे टेस्ट भी दो, सब सुविधा आपके लिए दिया हूँ। तो आप जैसे भी है आप करो, बस आप बस करो, और कमेंट करके मुझे बताओ भी क्या और क्या क्या चाहिए, कैसे क्या चाहिए, इस पर बहुत सारा काम करने वाला हूँ आपके लिए, एक से एक वीडियो करने वाला हूँ, आप बस लगे रहें, करते रहें, धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करते हैं।